नोएडा सेक्टर एक स्थित बिरला इंस्टीट्यूट में एमबीए कोर्स में शामिल किए गए नए विषयों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर एसएल गुप्ता, फैकल्टी स्टाफ अरुण मित्तल और रचना प्रतीक मौजूद रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर एसएल गुप्ता ने बताया कि समय के साथ औद्योगिक नगरी भी बदलती जा रही है, लिहाजा बिरला इंस्टीट्यूट ने अब एमबीए कोर्स में नए विषयों को जोड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही एसएल गुप्ता ने इस विषय को न्यू एज प्रोग्राम का भी नाम दिया है। हम इसको बोलेंगे न्यू एज प्रोग्राम्स, जहां हम लीडर्स, मैनेजर, सीईओस बनाते हैं, उनको पूरी एजुकेशन और बीआईटी की एजुकेशन डिफरेंट कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे हम बताते हैं, हम हर स्टूडेंट को कहते हैं कि लाइव प्रोजेक्ट्स करने, शोकेस प्रोजेक्ट्स करने, स्किल बेस्ड प्रोजेक्ट्स करने, इंटर्नशिप कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि कहीं जाके आप सर्टिफिकेट लेके आ गए। और जो आपने बात की, हमारा मोटिव कमर्शियलाइजेशन बिल्कुल नहीं है, वी बिलीव इन एक्सीलेंस इन एजुकेशन थ्रू हार्ड वर्क ऑफ आवर टीचर्स एंड डेडिकेटेड टीचर्स इन सपोर्ट विद बीआईटी मैसरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से नमन सत्य न्यूज को सम्मानित भी किया गया, जहां डायरेक्टर एसएल गुप्ता, कॉलेज फैकल्टी अरुण मित्तल और रचना प्रतीक की मौजूदगी में नमन सत्य न्यूज के संपादक राहुल शुक्ला को ट्रॉफी भेंट की गयी।